ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहो वैसे वहां पर कोई अपडेट नहीं आती है अपडेट जिस दिन आएगी उस दिन रिजल्ट ही आ जाएगा ठीक है तो लास्ट वीक नहीं आएगी उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी अब एक क्वेश्चन का जवाब मैं देना चाहूंगी बहुत से बच्चे करते हैं सो so सॉरी मैं सबको आंसर नहीं कर पाती आप में से किसी एक बच्चे ने रिपीटेडली पूछा है कि जब वो छह सब्जेक्ट उन्होंने लिया है आई गेस आप क्लास या क्लास टेंस में पढ़ते हैं तो आपने शायद पंजाबी लिया हुआ है तो क्या यू वॉन्ट टू रिप्लेस इट विध मैथ्स तो कोई भी बच्चे अगर छह सब्जेक्ट लिए हैं तो देखो जो लैंग्वेज है ना के लिए तो हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज है जो मैंडेट है लेकिन ट्वेल्थ के लिए मैंडेट आपका इंग्लिश है इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है उससे आप अपने एडिशनल सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं चाहे मैथ्स को पंजाबी से मतलब दिस इज सब्जेक्ट अगर ये आपका सिक्स एडिशनल सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल मार्क्स एक्सचेंज कर सकते हैं तो आप लोग टेंशन मत लीजिए रिजल्ट आपको अच्छा ही होगा बहुत ज्यादा परेशान है बच्चे आपके ईमेल्स देखती मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाती और कि हाँ, कि मैं ऐसे मैक्सिमम लोगों अप्रैल को सीबीएसई ने कहा था कि कॉपी चेकिंग हो जाएगी कंप्लीट बट हो नहीं पाई थी सीबीएसई आस्ट फॉर अनुल्व डेज कि दस बारह दिन चाहिए लेकिन ट्वेल्थ की अभी सारी नहीं हुई है तो रिजल्ट कंपाइलेशन होगा कैसे ठीक है अब उसके बाद आपके मार्क्स कहा जाते हैं आपके मार्क्स जाते हैं है? रीजनल सेंटर्स पर ठीक है अब जो कॉपी चेक के मार्क्स है वो अपलोड होंगे साथ साथ आपके स्कूल जो इंटरनल मार्क्स या प्रोजेक्ट के नंबर देते हैं वो उसमें ऐड होते हैं प्लस प्रैक्टिकल एड हो गया अब आपका आया मार्क्स ठीक है अब मार्क्स आपका कैलकुलेट होता है उसके बाद देखो थ्योरी में तो तो मॉडरेशन मॉडरेशन लग के के आती है वहां पर वो लिखाएगा कि ये साथ आपके रिजल्ट पे नहीं लिखेगा वहां पर वो सेपरेट होती है अब फिर भी देखो मान लो कि आपके पांच सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वन टू थ्री फोर फाइव इसमें से आप एक दो तीन चार में पास है एक सब्जेक्ट में आपका छह सात नंबर से अटक रहा है ठीक है मतलब मार्किंग स्कीम के बावजूद आपका एक सब्जेक्ट में अटक रहा है तो यहाँ आपको ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर दिया जाएगा तो वहां पे सारी पॉलिसी अप्लाई होती है और इस बार तो फिर मेरिट लिस्ट भी बननी है ना बच्चों आप की आप टॉपर्स की नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल पे और स्कूल लेवल पे है ना तीन लेवल पे टॉपर्स लिस्ट भी जनरेट होनी है तो देखो बारह दिन लगेंगे यानी कि अप्रैल तो यही खत्म हो जा रहा है फिर रिजल्ट बनने में दो हफ्ते लगते हैं ठीक है तो आप ही बताओ कि अप्रैल के एंड में रिजल्ट क्या मैजिक से आएगा नहीं आ सकता ना इट इज वेरी लॉजिकल कि रिजल्ट नहीं आएगा बहुत सारे ऑथेंटिक मीडिया रिपोर्ट्स भी ये बता रहे हैं कि अप्रैल एंड में आ जाएगा मतलब आप लोग लॉजिकल बातों पे ध्यान दो तो ये मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं मैं भी गलत कह सकती हूँ या कोई भी मीडिया रिपोर्ट गलत हो सकती है आप खुद सोचिए ये एक नॉर्मल टाइम फ्रेम है जितना लगना चाहिए तो आपको क्या लगता है कि फिफ्टींथ मे से पहले रिजल्ट आएगा आने के चांसेस ही नहीं है अब उसमें टेंथ का पहले आए ट्वेल्थ का पहले आए वो बाद की बात है सीबीएसई का अपना फॉर्मेट ये है कि ट्वेल्थ का ही पहले रिलीज होता है अब इस बार कई कई चैनल्स और और प्रिंट मीडिया का का भी ये कहना है कि और का साथ में आएगा अगर साथ में भी आएगा तो ये न्यूज सीबीएसई उस दिन देगी जिस दिन उसको रिजल्ट निकालनी होती है एक दो दिन पहले देगी हालांकि मुझे मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ट्वेल्थ का ही पहले आएगा मैं आपको ये पंद्रह मई डेट डे वन से बता रही हूँ जिस दिन से रिजल्ट फॉर्मेशन की बात हो रही है कि तब से आएगा मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट अब अब के, तो you know. के अनुसार बोर्ड के कई विषयों की कॉपी चेकिंग भी हो गई है हालांकि रिजल्ट कब तक दिए जाएंगे इसे लेकर सीबीएसई ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा की ही नहीं है कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है मीडिया रिपोर्ट से मिल रही जानकारी के अनुसार अप्रैल माह के अंत तक अथवा मई की शुरुआत में रिजल्ट आएगी आप देख लेना इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगी क्योंकि रिजल्ट कॉपी चेकिंग अब देखो कक्षा ट्वेल्थ की कॉपी चेकिंग की जा रही है फिनिश फिनिश नहीं हुआ है बिना रिजल्ट कैसे बन जाएगा आप ही बताओ कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया एक सप्ताह अथवा दस दिन के भीतर पूरी की जा सकती है टाइम लग सकता है देखो एरर फ्री इस बार कॉपी चेकिंग की जा रही है तो दे विल टेक टाइम जिससे आपका ही फायदा है आप स्ट्रेस आउट मत हो रिजल्ट अपने टाइम पे ही आएगा ठीक है कॉपी चेकिंग के बाद, ये मार्क्स के लिए को जाती फिर मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक दो हफ्ता इतने बड़े नंबर का रिजल्ट बनाना टाइम लगना तो नेचुरल है, है कि नहीं तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए इस डेट को रिजल्ट नहीं आएगा ठीक है आप लॉजिक्स पे ध्यान दीजिए आप बस ये सोचो आप पास फेल पेपर सोचते हो आपने अगर अटेम्प्ट लिए हैं आपने स्टेप्स लिखे हैं ठीक है तो आप पास हो जाएंगे ठीक है उनको अगर जगह दोगे कि आपको नंबर दे तो आपको वो पास करेंगे क्योंकि मॉडरेशन पॉलिसी भी लगी हुई है कई पेपर डिफिकल्ट भी थे इसके अलावा ग्रेस मार्क्स इज एन ऑप्शन प्लस आपने अगर छह सब्जेक्ट लिए हैं तो टॉप फाइव इज आल्सो एन ऑप्शन ठीक है तो इतने सारे फैसिलिटीज के बाद आपने अगर पेपर खाली नहीं छोड़ी है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है ब्लैंक शीट बहुत कम बच्चों की गई है न्यूज में तो ऐसी ही बातें आती है है वो हवा बन जाती ब्लैंक शीट कोई बच्चा छोड़ता नहीं है जनरली कुछ ना कुछ अटेम्प्ट लेके आता है तो ब्लैंक शीट ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चों का छूटा है एंड हर बच्चा सोच रहा है कहीं मेरी कॉपी तो नहीं खाली थी बेटा ऐसा नहीं है हर बच्चे इस श्रेणी में नहीं आ रहे हैं मैक्सिमम बच्चे पास होंगे पासिंग परसेंटेज इज गोइंग टू बी वेरी गुड दिस टाइम सो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए करेक्ट टेंथ वाले अपने इलेवेंथ के एडमिशन के बारे में सोचो कि कहाँ पे क्या जो बेस्ट जॉब के लिए अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए ट्वेल्थ वाले भी सी यू टी के एग्जाम बहुत नजदीक है नीट वालों के एग्जाम्स नजदीक है जेई वाले एडवांस के प्रिपरेशन में लग जाओ सो so, अपने करियर में आगे बढ़िए विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी आपको बता दी जाएंगी इसलिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स